हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा आइडिया है बहुत ही ज़्यादा कमाल और धमाल होने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। वैसे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो खास करके हमारी जो बहनें हैं उनके लिए है, और भाइयों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि भाइयों के लिए भी आजकल जो है भाई भी बहुत सारे मेकअप अपना यूज़ करते हैं और अपना सामान उनका कुछ पर्सनल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की यूज करे। तो आज का जो मेरा आइडिया वो किसी भी जो है पर्सन के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और कपड़े लिए हैं, फेविकॉल लिया है और बोतल के जो है कुछ ढक्कन लिए हैं। तो बोतल का ढक्कन ऑप्शनल है। और यहाँ पर देखिए, मेरा जो कार्डबोर्ड है वो अच्छा खासा थिकनेस है उसकी, और अच्छा वाला है। जो मोटा वाला आता है, जो हैवी वाला आता है, वो है इसमें। तो आप कोशिश करिए कि आप इसी तरीके का जो है थोड़ा सा थिकनेस वाला कार्डबोर्ड लिए बॉक्स लीजिएगा, और पतला हो तो भी चलेगा, बट ये है कि उसमें जो है अच्छा खासा मजबूती रहेगा तो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। क्योंकि हम अगर किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं उसमें जो कि हमें आगे तक फ़ायदा मिले, तो मेहनत का जो है फल भी अच्छा रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कैंची से काटना था इसको, लेकिन कैंची से वो कट नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे चाकू का यूज़ किया। तो आप भी हाथ बचा करके अच्छे से इसको कट कर लीजिएगा। और हमें बस ये दो पीस कट करने हैं, और दो साइड के पीस बिल्कुल भी हमें इसको कट नहीं करना है। तो ये देखिए, मेरे दोनों साइड के कट हो गए हैं, और ये जो दो है इसको नहीं करूँगी, और ये जो है इसको भी मैं इसी तरीके से रहने दूंगी। तो ये जो हमने कट किया था, इनको देखिए दोनों को आपस में इस तरीके से रखूंगी मैं, और इनको भी जो फेंकना नहीं है इसको मैं एक साथ रख करके और इसमें टेप लगा करके दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लूंगी, और इसको जो है इसकी थिकनेस और अच्छी हो जाएगी। और इसी को हम जो है यूज करेंगे इसमें पार्टीशन देने में, इसको बीच में। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से टेप लगा लिया है, चारों तरफ से बंद कर लिया है, और अब हम इसको कपड़े के साथ रैप कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो लुक है देखने में बहुत अच्छा लगे, और ये लगे भी ना कहीं से भी कार्डबोर्ड का है। तो आप यहाँ पे चाहो तो वॉलपेपर का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास वॉलपेपर है तो, बट मैं तो कपड़े यूज कर रही हूँ। तो कपड़े आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पुराना कोई कपड़ा पड़ा है उसको भी यूज़ कर सकते हो, पुरानी कुर्ती सलवार या कोई शर्ट का कपड़ा हो, या इस तरीके से आपके पास कोई बचा हुआ पीस हो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी हमें जो इसके साइडों के लिए लेना है, तो इस तरीके से कार्डबोर्ड का मैंने मेज़र कर लिया था, और अब हम इसमें जो है इस तरीके से देखिए इसको लगा लेंगे। तो इसी मेजर से हम जो है इसके कट कर लेंगे दोनों तीनों चारों साइड के लिए। और अभी जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा फेविकोल लगा करके हम इसको चिपका लेंगे। अगर आपके पास जो है यहाँ पे ग्लू गन है तो ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, उससे और जल्दी हो जाएगा। फेविकोल से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये काम हो जाता है। तो ये वाला जो इसमें होल दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसको मैं बंद नहीं करूँगी, इस होल को मैं यूज़ करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देखते जाइए किस तरीके से मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, कपड़ा भी मैंने जो है इसके अंदर से इंसर्ट करके इस तरीके से पेस्ट किया है। ये देखिए, अच्छे से कॉर्नर को फिनिश करते हुए इस तरीके से इसको हमें फिनिश कर लेना है। ये देखिए, तो इसके दो साइड में हमें कपड़ा लगा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें इस तरीके की जो है कार्डबोर्ड की दो स्ट्रिप बनानी है। तो उसको भी मैंने डबल डबल करके अच्छे से चिपका लिया है ताकि मजबूत हो जाए। और देखिए, अब हमें यहाँ पे जो निशान बना लेना है, तो निशान हमें कहाँ लगाना है, होल के जो है सेंटर में नहीं लगाना है हमें, या तो ऊपर वाले जो है जो कार्डबोर्ड का जो साइड गया है वहाँ से, या फिर नीचे वाले से। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे इसको लगा लेना है। अगर सेंटर में लगा लेंगे तो हम जब इस पर पार्टीशन देंगे तो हमारा पार्टीशन आएगा नहीं। तो इसके नीचे मैं इस तरीके से रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लगाया है। अगर आप उस तरफ से रख रहे हैं तो उस तरफ से लगाइएगा इस तरीके से। और अब हम जो है इसमें कपड़ा लगा लेंगे। तो कपड़े को जब हम पेस्ट करेंगे तो हमें इसके किनारियों से अच्छे से फिंगर से कर देना है, ताकि इसको जो है फिनिशिंग बहुत बढ़िया आ जाए। तो अभी देखिए, हमारा इसमें जो है बिल्कुल फाइनली फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लगा लिया है मैंने, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है लगने के बाद। तो अब हमने जो ये पार्टीशन बनाया था इसको इस तरीके से लगा देंगे इसमें, और आप चाहो तो इसमें अंदर चिपका भी सकते हो। मैंने तो इसी तरीके से रख दिया और ये सेट हो गया बढ़िया तरीके से। और अब हम इसको बाहर की तरफ से जो है यहाँ पे करेंगे फाइनल। तो आप चाहो तो पहले बाहर का कर सकते हो, अंदर का बाद में, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, मैं इसके साइज़ का कट कर लूँगी और फिर मैं इसमें पेस्ट करूँगी। तो आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हो, एक जैसा भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग लगाने की। बट इसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें अलग कपड़ा का यूज किया था, ताकि जो है इसके जो डोर हैं वो थोड़े लगे कि हाँ ये डोर हैं अलग अलग से। और अभी मैंने देखिए ऊपर के लिए कवर करने के लिए एक कपड़ा लिया है यहाँ पे,
तो इस कपड़े को भी मैं इसके थोड़ा सा ओवरलैप करके चढ़ाऊंगी ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो देखिए अंदर की साइड पे मैंने आधा इंच के करीब मैं ओवरलैप करा था और इस तरीके से ग्लू इसमें लगा करके फेविकॉल और इसको अंदर की साइड में पेस्ट कर दिया था, ये देखिए। और ये जो साइडों वाला बचा है ना फ्रेंड्स, तो इसको हमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग देनी है, तो हल्का हल्का सा मोड़ते हुए हमें इसको पेस्ट करना है ताकि जो है इसकी रफ साइड जो है बिल्कुल अंदर चली जाए, नज़र ही ना आए कि हमने इसमें इस तरीके से पेस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए कपड़े को मैं हल्का हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर इसमें पेस्ट कर दी हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से हो जाता है और कोई भी कर सकता है इसको, ऐसा नहीं है कि हम सोचने लग जाते हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा वो है, तो कुछ भी नहीं होता। आप एक बार ट्राई करोगे तो हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें पहले क्या करना है, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से इसमें जो है शुरू कर सकते हो, किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो। वो तो मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इसमें पेस्ट किया था और किस तरीके से लगाया था। आप जहाँ से मर्जी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कपड़े को अलग अलग कट करके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एक कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो बैक साइड है उसको मैंने इस तरीके से फिनिश किया था, तो इसके जो कॉर्नर है उसमें मैंने एक कट लगा दिया था इस तरीके से, देखिए, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ये देखिए। तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगी और पेस्ट करने के बाद जो हमारा बीच का बचा हुआ सेंटर वाला पार्ट है इसको भी मैं इसी तरीके के कपड़े से यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए ये वाला जो कपड़ा बचा है इसमें इस तरीके से लगा दूंगी तो पता भी नहीं चलेगा इसमें कोई अलग है, और ये वैसे भी पीछे आने वाला है तो देखने में भी इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके हटा दूंगी क्योंकि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको लगा लिया है। बट अभी हमें जो इसके डोर है इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ हुक वगैरह बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने मैं बताती हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखिए मैंने ये जो रखे हुए थे ना बोतल के ढक्कन वगैरह, तो ये आप किसी भी लिम्का पेप्सी या फिर जो आपकी तेल वगैरह की बोतल होती है उसके ढक्कन ले सकते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो है इसको कहीं ऊपर रखना है। आप अगर कहीं नीचे वीचे में रखना चाहते हो या अलमारी में तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा ही भरा था, तो ये कपड़े जो पोटली वाला बटन जिसको बोलते हैं ना वो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसमें कपड़े की पोटली बनाई है उसको सिल लिया था और उसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके, और अब हम जो उसको कार्डबोर्ड में इस तरीके से सुई डाल देंगे, मतलब निडल डाल देंगे और इस तरीके से सिल लेंगे। तो ये बहुत ईजी तरीके से सिल जाता है, इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो, बट अगर सिल दोगे तो और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो जाता है। और दूसरे साइड पर मैंने एक लेस का टुकड़ा लगा दिया है यहाँ पर देखिए, और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा एक देखिए अलमारी बन के तैयार हो गया, कबर्ड बन के, एक छोटा सा मेकअप के लिए मैंने कबर्ड बनाया है, तो आप इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, ये देखिए। और कुछ कुछ ज्वेलरी है मेरे पास आर्टिफिशियल, मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप इसमें चाहो किचन के लिए कुछ सामान रख सकते हो, किचन के कपड़े वगैरह, या फिर कबर्ड में आप नहीं रख सकते हो, बच्चों के छोटे छोटे सामान होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं कपड़ों के साथ, वो इसमें आप रख सकते हो, अपना कोई सामान रख सकते हो, अपने छोटे छोटे कपड़े रख सकते हो, कुछ भी आप इसमें ए टू जेड रख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरीके से था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक कि अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।